हेलो डियर स्टूडेंट्स, बकेट तो हमने सीख ली है। आपको याद होगा, आप फिर से एक बार वीडियो देख के उसकी मैंने क्या डिटेलिंग्स बताई थी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे काफी स्पेस है जहाँ पे मैं आपको आज डस्टबिन सिखाने वाली हूँ। देखिए, डस्टबिन बहुत कॉमन चीज है जो हमेशा सेंटर पे अवेलेबल भी रहती है, और इसी वजह से वो काफी बार ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए सामने रख देते हैं। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए सामने चीज रखी जाती है और उसे देख के आपको ड्राइंग करना होता है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्राइंग करने के टाइम मैंने काफी बार कहा है कि बुक को सीधा पकड़ा करो। काफी बच्चे बुक को टर्न कर लेते हैं, इस तरह से टर्न करके ड्राइंग करते हैं। तो जब टर्न करके ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग निकालने के टाइम जब सीधा होगा और बुक सीधा करने के बाद फिर ड्राइंग टेढ़ा हो जाएगा आपका। तो ये आदत आप बिल्कुल छोड़ दें। ड्राइंग करने के टाइम सीधा बैठे। आप ध्यान रखें कि आपका डिस्टेंस बुक के और आपके आंखों में डिस्टेंस होना चाहिए। सीधा बैठ के, स्ट्रेट बैठ के आप ड्राइंग करें। बुक पे झुक के ड्राइंग करेंगे तो पूरा प्रेशर हाथ पे आ जाता है और आईज में, बुक में डिस्टेंस ना होने के कारण हम ड्राइंग गलत हो रही है कि राइट, वो जज नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो ध्यान रखे, बुक सीधी रखे और सीधा बैठे और पेंसिल दूर पकड़ना है हमें। दूसरी चीज और एक मैं बताऊं, आपके बुक के नीचे अगर कुछ अपने चीजें रखी हुई हो, जैसे कि इरेजर आ गया हो और आप वैसे ही ड्राइंग करते जा रहे हैं, या कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी चीज आपके बुक के नीचे है, तो आपकी ड्राइंग अच्छे से नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको सिलेंडर सिखाया था, वैसे ही अभी इसको सिलेंडरिकल ही शेप का एडवांस पार्ट में कहूंगी कि डस्टबिन है। जैसे कि सिलेंडर शेप जिसका बेसिक शेप हो सकता है, वो चीजें कौन सी है? बकेट है, डस्टबिन है, ग्लास है, इस तरह की चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले हम ग्लास जैसा एक शेप बना ले, उसके बाद उसको डबल, जैसे बकेट को हमने किया था उस तरह से डबल लाइन कर लेनी है। फिर यहाँ का जो सेंटर लाइन है, यहाँ पे हल्का सा हमें एक छोटा सा ओवल बनाना है, और इस ओवल को ये बकेट जैसा जो शेप बनाया है उसके एंडिंग में आपको लगा देना है। इतना सिंपल है डस्टबिन। देखिए, मैं अभी उसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे। फिर से बताती हूँ, ओवल बना लिया, उसके बाद ग्लास जैसा शेप या बकेट जैसा शेप, फिर इसके जो कॉर्नर्स है वो डबल कर लिए, मतलब थिकनेस दे दिया इसके जो कॉर्नर कहने से ज्यादा उसका क्या बोलेंगे हम, एक ढक्कन का जो एज होता है उसको हमने डबल कर लिया। सेंटर लाइन के बीच में हमने एक छोटा सा ओवल बना लिया। देखिए, याद रहे कि ज्यादा ऊंचा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो, कंफर्टेबल साइज उसकी होनी चाहिए। इसके लिए डिस्टेंस से थोड़ा हमें चेक करना चाहिए, बहुत ऊपर बनाएंगे तो वो अजीब लगेगा एक माउंटेन के जैसे। इसको हल्का सा ये करना है, डस्टबिन का ये ढक्कन है ठीक है, तो इसको छोटा ओवल बना के दो लाइंस इसमें अटैच कर देना है। इतना सिंपल ये अपना ड्रॉइंग है। देखिए, ड्रॉइंग कंप्लीट होने के बाद उस पर एक हल्का सा इरेजर घुमा के मैंने उसको लाइट कर दिया है। बच्चों से मैं ये वापस कहना चाहूंगी कि आप ड्राइंग करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट ना करें। काफी बच्चे ड्राइंग कंप्लीट हो भी जाती है फिर भी उसको डेकोरेट करते बैठते, वो लाइंस को बार 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 ठीक करते करते उनको ध्यान नहीं रहता कि अपना टाइम स्पेंड हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा, तो जिसके कारण हमें कलरिंग में टाइम बहुत कम मिलेगा। तो ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा एक मिनट भी बहुत हो गया, फिर भी मैं कहूंगी चलो एक मिनट एक चीज के लिए आप ले लो, वो बहुत है ज्यादा ठीक है, क्योंकि ड्राइंग में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जितना हो सके आप उसको कलरिंग में कंप्लीट कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आउटलाइन जैसा एकदम क्लियर आपको दिखना चाहिए। तो अभी चलो हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा अलग जो ग्रीन है वो यूज करके ट्राई करूंगी, उसकी फैमिली मुझे चेक करनी होगी। तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसके फैमिली में क्या क्या जाएगा। तो यहाँ पे पहले मुझे कंफ्यूजन है तो मैं हल्के से उसका फैमिली चेक कर लेती हूँ। पहले लाइट ग्रीन मैंने यहाँ पे लिया है, एकदम येलो ग्रीन।
उसके बाद मैंने थोड़ा लाइट ग्रीन ले लिया है। उसके बाद ये अलग जो ग्रीन है, देखिए इसमें अभी थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये चल जाएगा। डार्क के लिए मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए काफी बार बच्चे पूछते हैं कि कौन से कलर उठाए, क्या करे। कलर्स याद करने जैसे कोई है नहीं। आपको ना जैसे रियाज होगा किसी भी चीज का, किसी भी आर्ट का रियाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना फ्रेंडली हो जाओगे कलर्स के साथ, आपको तुरंत पता चलेगा कि कौन से कलर लेने चाहिए, किस तरह से ब्लेंड होंगे, कौन से कलर एक फैमिली के आ सकते हैं। वो प्रैक्टिकली करते करते आपको समझ जाना जरूरी है। यहाँ पे लर्न करके या याद करके कोई आंसर लिखने जैसी बात है नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि हमेशा मैं जो सबसे लाइट कलर होता है वहां से स्टार्टिंग करती हूँ, लाइट टू डार्क जाना ये मैं हमेशा याद रखती हूँ। आप भी वैसे ही करें तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग आप लाइट से करें और फिर डार्क की तरफ जाए। याद रखना है ढक्कन और नीचे का जो मेन डस्टबिन है, उन दोनों के हाईलाइट, मिडल, डार्क सब कुछ चीजें एक शेप में चाहिए। काफी बार होता है जैसे अचार का बर्नी था या ये है, अभी इसका हम अलग कलर से कलरिंग करने वाले, नीचे ग्रीन पार्ट का और ऊपर का रेड पार्ट का। तो इसका अगर हाईलाइट मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो उसी एंगल से उसका ऊपर का जो रेड का ढक्कन है, रेड कलर का, उसका भी हाईलाइट उसी शेप में चाहिए, उसी पार्ट में चाहिए। काफी बार हो जाता है बच्चे यहाँ पे हाईलाइट डस्टबिन का लेते हैं और ऊपर डस्टबिन के ढक्कन का हाईलाइट यहाँ कहीं आ जाता है। कनेक्टिव है ये दोनों चीजें, ये ध्यान में रखें। जैसे कि अचार का जार है, ऊपर का ऑकर येल्लो और नीचे का व्हाइट कनेक्टेड है ना, एक ही जार के वो दो अलग अलग पार्ट है या कलर है। तो उसी सबके ऊपर सेम लाइट, सबके ऊपर सेम मिडल, सबके ऊपर सेम डार्क आएगा, ये ध्यान में रखते हुए नीचे का और ऊपर का कनेक्शन आप हमेशा याद रखते ही कलरिंग करें। और काफी बार बच्चे करते हैं कि लाइट के एरिया में लाइट दे देते हैं इतना पार्ट में, फिर मिडल की जगह पे मिडल कलर उठा के उतने पार्ट में लेते थे। देखिए पार्ट पार्ट में कलरिंग नहीं करनी है, वो हमने सबसे फर्स्ट जो अपना स्टिल लाइफ का लेसन था उसमें सीखा है। बस इसमें हमें क्या करना है, देखिए अभी मैंने लाइट कलर को लिया, उसको पूरा पेपर पे कलर रख के फिर स्प्रेड कर दिया है। बच्चे ऐसे ऐसे कलरिंग करते हैं, ये एक पार्ट हो गया, फिर ये सेकेंड वाला लाइन हो गया, फिर डार्क के लिए थर्ड वाला हो गया, ये टोटल गलत है। मैंने लाइट को सब जगह हल्के से स्प्रेड किया है ताकि उस पे मिडल टोन भी अच्छे से स्प्रेड हो पाए। फर्स्ट फिलिंग में हमेशा आपको बताती हूँ कि कलर के कवर हटा के, अभी मैंने ये तो पुराने कलर से इसके पूरे कवर हट गए, लेकिन आप इस तरह से आधे, देखिए ये जो कलर है पूरा, इसको यहाँ पे पकड़ के रखे जहाँ पे इसका जॉइंट है, और यहाँ से आप इसको जितना छोटा पार्ट का कलर कवर हटाना है, देखिए इस तरह से उतना ही हटाए, जरूरी नहीं कि पूरा। इससे हेल्प भी होगी क्योंकि बाकी कवर्ड है तो जहाँ पे कलर लगना चाहिए वहीं पे लगेगा। ठीक है, कलरिंग के टाइम हमेशा याद रहे कि हम कौन से पोर्शन में कलरिंग कर रहे हैं, कितना दबाना है कलर को। कई बार बच्चे पूछते हैं कि स्लिपिंग कलरिंग करे क्या, स्टैंडिंग करे कि गोल करे। मैं कहूंगी अब कैसे भी करो चलो, बट पता ना चले कि कैसे कलर को घुमाया है। एकदम ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे भी करेंगे तो लाइन लाइन ऐसे इस तरह से लाइन लाइन दिखती है, वो नहीं दिखना चाहिए। बच्चे इस तरह से कलरिंग करते हैं, यहाँ पे लाइट दे देते हैं, यहाँ पे ये डार्क दे देते हैं, देखा तो ये ऐसे मिक्स नहीं हो पाएंगे। आपको करना ये है कि यहाँ पे इसको यहाँ तक स्प्रेड करना है और उसके ऊपर ओवरलैप करना है आपको दूसरे कलर को, इसलिए वो अपने आप साथ में मिक्स हो जाता है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, इस तरह से काम करना है हल्के हल्के ओवरलैपिंग करके। ठीक है, अभी मैं
थोड़ा डार्क के एरिया में पहले हमेशा जजमेंट ले लेना, फर्स्ट टाइम में ही दबा के फिनिशिंग कर दिया, इस तरह से नहीं करना है आपको। देखिए मेरे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है, तो मैं अपना हमेशा का जो डार्क के लिए हेल्प करने वाला कलर है प्रशियन ब्लू, उसको मैं जहां मुझे एक्सट्रीम डार्क चाहिए वहां पे मैं लगा रही हूँ। देखिए अभी मेरा फर्स्ट फिलिंग हो चुका है, अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी और देखिए अभी मैं पेन कलर को गोल पकड़ के पेन जैसा पकड़ के अप्लाई कर रही हूँ कलरिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फ्लैट कलरिंग किया था, अब मैं हम उसे थोड़ा सा दबा के अब जहाँ पे डार्क कलर दिया तो उसको घुमाते घुमाते आप यहाँ तक ना ले आए, बच्चे काफी ऐसे करते पूरा इतना पार्ट डार्क का कर देते और डायरेक्ट यहाँ पे व्हाइट का लाइन दिख जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। हमें याद रखना है कि हमें लाइट मिडल डार्क रिफ्लेक्टेड लाइट ये सब दिखना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जो मैंने सबसे फर्स्ट लेसन में सिखाया था, हाईलाइट उसके बाद लाइट देन मिडल या मिड टोन हम कहते हैं जिसे, उसके बाद डार्क टोन। देखिए यहाँ पे अभी कलर में कुछ और लगा हुआ था इसलिए वहां पे गंदा कुछ आ गया है अलग कलर, तो हमें उसको भी ध्यान रखना होता है। चलो फिर से रिपीट करती हूँ, हाईलाइट लाइट मिड टोन डार्क टोन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड शेडो। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले व्हाइट प्योर व्हाइट छोड़ दिया था पेपर का, वो आप हमेशा वैसे ही करिए, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हर एक चीज का अपना अपना टेक्सचर होता है, कलर को रिफ्लेक्ट करने की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है कैपेसिटी रहती है, प्लास्टिक की चीज इतनी ज्यादा बहुत शाइन नहीं होगी इसलिए प्योर व्हाइट छोड़ना नहीं है हमें अभी। फर्स्ट स्टार्टिंग में जब फर्स्ट फिलिंग की तभी हमने प्योर व्हाइट छोड़ा था, बाद में उसे हल्का सा हम ब्लेंड कर देंगे जैसे कि हमने बकेट में भी किया था, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे किसी व्हाइट स्ट्रिप को काट के आपने उसको चिपका दिया हो, तो वो नेचुरल फील नहीं देगा। आई थिंक इतना अभी काफी है मैंने जो डस्टबिन किया है, कभी कभी होता है कि चीज कंप्लीट हो चुकी होती है फिर भी बाकी का यहाँ का जो बचा है ये कंप्लीट नहीं, इसलिए हमें लगता है कि ये भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इसका काफी हद तक काम हो जाने के बाद हमने क्या करना है, इसको छोड़ के इस पे काम करना शुरू कर देना है। देखिए रेड कलर जो है जैसे मैंने बकेट में सिखाया था, रेड की फैमिली में पिंक प्राइमरी रेड और मरून भी आ सकता है, और रेड के अभी इस फैमिली में आपको सिखाऊंगी ऑरेंज के साथ रेड का फैमिली बनाएंगे हम, रेड का ग्रेडेशन में ऑरेंज के साथ आपको सिखाऊंगी, तो मैंने ऑरेंज उठा लिया है, हो सकता है कि मैं डीप येलो भी यूज करूँ एक्सट्रीम लाइट की जगह। सबसे ध्यान देना कि ये वाला जो पोर्शन है डस्टबिन का ये ढक्कन का एरिया है, बच्चे काफी बार बकेट के जैसे इसको भी ग्रीन करके रखते हैं, ये ग्रीन है तो इसको भी ग्रीन करेंगे, वैसे नहीं है, ये ढक्कन का एरिया है, उसको हमें ढक्कन का अगर रेड कलर है तो उसको भी रेड करना है, उसकी बॉर्डर को भी। यहाँ पे मैंने डीप येलो हल्के से घुमा दिया है, देन ऑरेंज को मैं ले रही हूँ। देखिए जो भी कलर लेना है वो दूसरे जगह पे भी थोड़ा स्प्रेड करना है ताकि पार्टीशन ना हो जाए, पहले तो मैं हमेशा आउटलाइन क्लियर करने के पीछे लगी रहती हूँ, आउटलाइन मतलब आउटलाइन ऐसे बॉर्डर जैसा आउटलाइन नहीं करना है, आप आउटलाइन को अलग तरीके से मत लो, आउटलाइन इन द सेंस जो अपने ऑब्जेक्ट सामने रखे है उसकी बॉर्डर्स क्लियर कर ले, क्लियर करना मतलब डिफाइन करना कि यहाँ तक उसका एंड हो रहा है, नहीं तो इतने मेहनत से हम लोग ड्रॉइंग करते हैं पेंसिल के साथ और कलरिंग में वो पूरा हम मेस कर देते हैं।
ठीक है, अभी इतना हो चुका है, अब मैं रेड को ले रही हूँ। आप समझ पा रहे हैं कि मैं ओवरलैपिंग पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। देखिए, आंखें छोटे करके बीच बीच में चेक कीजिए, आपको ये आदत रहनी चाहिए। कोई भी कलर को एकदम कट टू कट पार्ट में ऐसे ना दे दे, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए, मैंने बराबर यहाँ से हाईलाइट है तो जो ऊपर का ढक्कन है उसका भी हाईलाइट उधर ही रखा हुआ है। अभी इसका शेप ऐसा है इसलिए हाईलाइट इस तरह से आया है। ऊपर का जो है उसका शेप इस तरह से टेढ़ा जा रहा है, कोन के जैसा थोड़ा हल्का, तो इसी लाइन में उसका हाईलाइट यहाँ आएगा। देखिए, ऊपर पतला नीचे ज्यादा, जैसे कि हम कोन में करते थे। देखिए, इस तरह से हमने उसको उसकी जगह फिक्स कर ली हाईलाइट की। ये अंदर का जो है ना, ये डेप्थ का एरिया जो छोटा ओवल हमने बनाया था, जैसे बकेट का डेप्थ है या अचार के जार का डेप्थ है, लेकिन ये अंदर बाहर से पूरा रेड है इसलिए हमें उसका रेड का ही लाइट टू डार्क करना है। देखो, ये फर्स्ट फिलिंग हो गई, अभी मैं सेकेंड फिलिंग कर रही हूँ उसका, सेकेंड लेयर दे रही हूँ लाइट का। देखो, छोटे टुकड़े जो होते ना कलर के, आप काफी बार फेंक देते हो। मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि कलर को फेंके ना, वो कितना ही छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, उसको अप्लाई करने के बाद पेपर पे कलर ही बाहर निकलेगा। इसलिए कभी भी छोटा टुकड़ा है इसलिए फेंकना बहुत गलत बात है। उल्टा देखिए, अभी मेरे पास छोटा टुकड़ा है तो मुझे छोटे एरिया में कलर करने में आसानी हो रही है उसकी। बड़ा कलर में लेती तो वो बाहर कहीं तो भी लग जाता, छोटा टुकड़ा है तो मजे से मुझे कलर करने में आसानी हो रही है। तो बिल्कुल भी छोटे टुकड़े है इसलिए फेंकना नहीं है, टुकड़े हो भी जाए कलर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी बच्चे नए कलर को लेके आते हैं और उनको यूज ही नहीं करते, बहुत संभाल संभाल के रखते। देखिए, कलर्स यूज करने के लिए होते, संभाल के रखने के लिए हम खरीदते नहीं है उसे। अगर आप संभाल के रखोगे तो ड्राइंग आपका अच्छा नहीं आएगा, बस आपको कलर को ही शोकेस में रख देना होगा। फिर काफी बच्चे, जैसे मैंने अभी सिखाया कि थोड़ा सा कवर निकालना होता है या जो भी कुछ चीजें सिखाई है उसको कैसे ओवरलैपिंग करना है, तो ओवरलैपिंग करने से कलर में दूसरे कलर का थोड़ा सा दाग लग जाता है, तो बच्चे ओवर कॉन्शियस होके कलर को संभालने में लगते हैं। वैसे नहीं करना है, इसका मतलब कलर कैसे भी यूज करे, खराब करके फेंक दे, ऐसे भी नहीं करना है। जहां जरूरत है वहां पे बिंदास कलर को यूज करें आप, कलर यूज करने के लिए ही है। कलर के लिए कॉन्शियस हो जाओगे तो ड्राइंग अच्छी नहीं हो पाएगी आपकी। यहाँ का जो है, अभी हमें इसका फिनिशिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी नीचे ग्रीन का पार्ट है तो मैं डार्क ग्रीन से उसका बॉर्डर करूंगी, क्योंकि ऊपर के ढक्कन के कारण नीचे का जो ग्रीन एरिया है उस पे डार्क आएगा ना, तो ऑब्वियसली हमें ग्रीन का डार्क देना पड़ेगा। बस हल्का ही हमें करना है लाइट की एरिया का, मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है डार्क। इस साइड के एरिया में अगर हम डार्क कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो डार्क का एरिया है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी इसको मैं और थोड़ा सा फिनिशिंग कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे काफी हद तक मैंने फिनिशिंग ऑलरेडी कर ली है। आंखें छोटी करके थोड़ा डिस्टेंस से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि डार्क का एरिया में काफी कम डार्क लग रहा है, तो मैंने प्रशन ब्लू हल्का सा घुमा के उस पे फिर से डार्क दे दिया, रेड प्राइमरी जो है उसको स्प्रेड कर लिया है। अभी आंखें छोटी कर करके ही हमेशा चेक करें।
काफी बच्चे ना जो जेरोक्स के पेपर्स होते हैं व्हाइट, उन पे कलरिंग करना या प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो मैं बोलूंगी कि ऑयल पेस्टल्स जो है उनको थिक पेपर जरूरी है, जैसे कि कार्टेज पेपर होता है, जैसे अपना नॉर्मल ड्राइंग बुक में जो पेपर होते हैं वो थिक होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं कि वो कलर को पकड़ पाए। शाइनी पेपर या एकदम चिकने पेपर जो होते हैं जिसमें ग्लॉस होता है या फिर कुछ टेक्सचर ही नहीं है, बहुत पतले से होते हैं, तो ऐसे कलर्स से हम कलरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कलर को पकड़ने के लिए उनके पास ग्रिप नहीं होती है। आई होप यहाँ तक जो हमने किया है वो आपको समझ में आ गया है, और अभी हम बस इसका फिनिशिंग, जैसे कि मैंने बोला था कि एंड में जो हम ये शार्पनेस होती है कलर के एज में, एंडिंग में, उसकी हेल्प लेके देखिए, ध्यान रखें कैसे भी रैंडमली डार्क आउटलाइन नहीं कर देना है, वो नेचुरल लगना चाहिए। बहुत ही आराम से ऊपर ही ऊपर आपको कलर को स्प्रेड करना है, जितना आप कम कलर स्प्रेड करेंगे कम प्रेशर देके उतना ड्राइंग अच्छा बनते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें प्रेशर बढ़ाना होता है, फर्स्ट फिलिंग में ही फर्स्ट टाइम जब कलर को टच करते हैं तो कलर को एकदम ही हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। प्रशियन ब्लू एंड बर्न सियाना मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से इसे भी यूज करना है। कई बार बच्चों को लगता है कि ब्लैक यूज किया है क्योंकि वो एकदम डार्क हो जाता है, तो ध्यान रहे हम ब्लैक कभी भी नहीं यूज करना है, ब्लैक बहुत ऑडमैन आउट हो जाता है पूरी ड्राइंग में क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है, वो पूरी ड्राइंग का ध्यान अपनी तरफ ले लेगा, तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान रखना है अपना बस, और कंट्रोल करें कि थोड़ा सा स्प्रेड हो गया इनफ। बच्चे भूल जाते हैं और ओवरलैपिंग स्प्रेडिंग करते ही रहते हैं, उस चक्कर में क्या होता है उनका शैडो बनते बनते बहुत डार्क बन जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेपर का टेक्सचर बीच बीच में आ रहा है तो ये ऐसे फाइन फिनिश नहीं लग रहा है, एक काम कर सकते हो आप, व्हाइट को लेके उसको हल्का सा स्प्रेड करने की कोशिश करो दबा के, ताकि आपका वो जो फाइन फिनिश टच है वो आपको मिल जाए। ऐसे जरूरत है नहीं, लेकिन काफी बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि फाइन फिनिश दिखना चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। जहां पे भी कलर लगता है इस तरह से आप इसको क्लीन करके कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया है और आप अलग अलग कलर से डस्टबिन को ट्राई करें, कीप प्रैक्टिसिंग। और इसके बाद में कुछ फोटोग्राफ्स डालने वाली हूँ, आप स्टॉप करके पॉज करके स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिए और वो देख देख के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? थैंक यू।